उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NIC हॉल में जिले के आला अधिकारियों से बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद, ADM FR तथा उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह तथा सभी अपर निर्वाचन अधिकारी SDM सहित निर्वाचन से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से लागू किए जाने, 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों, रोड शो, जनसभा पर रोक लगाते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनसंपर्क करने में अधिकतम सीमा 5 व्यक्ति को निर्धारित करते हुए कहा कि सभी लोग इसका पालन करवाएं। नॉट बी गिवन एनी इलेक्शन रिलेटेड वर्क। दूसरी चीज, जो प्रतिभा कोई 3 साल के रह गए हैं या कोई ऐसी है, अगर आपके जिले में एबिलिटी है, जैसे एक आध जिलों से भी मेरी बात हुई कि वहां उसकी कोशिश कर सकते हैं, उसकी भी ज्वाइनिंग हमारी कंसेंट के बाद ही दी जाएगी। और अगर ऐसी सूरत बनती है कि ना डिपार्टमेंट दे पा रहा है, ना एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन चेंज कर दी। CPMS की 150 कंपनी हमको अलॉट हुई है। ये जो अलॉट हुई है ये बेसिकली एरिया डोमिनेशन के लिए अलॉट हुई है, और इसका CO साहब ने IG एलो साहब हैं, और ये आपके जिले में 10 तारीख से अवेलेबल होंगी। जो आपने हमको वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी की रिपोर्ट भेजी थी, डिप्लॉयमेंट यूजली उसी के आधार पर किया, क्योंकि एक डेली रिपोर्ट आती है जो कि हम IGLO साहब जो हमारे नोडल हैं इलेक्शन के, हम उनके थ्रू मंगाते हैं, लेकिन वो जो कलेक्ट होती है वो जिले से कलेक्ट होती है। मेरी रिक्वेस्ट ये रही है कि आप सबको पता है कि कमीशन जो है वो इंफॉर्मेशन इतनी मांगता है कि हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। दैट इज द बैड पार्ट, नाउ द गुड। दूसरा ट्रेनिंग का पार्ट है, तो ट्रेनिंग जो CO ऑफिस की तरफ से जितनी होनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो ट्रेनिंग करानी है वो जिले स्तर पर करानी है, और नीचे के लेवल पर जैसे जैसे उसकी टाइमलाइन है वैसे वैसे आप करा लेंगे। इसमें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं फोकस करना चाहूंगा। एक तो जो आपके न्यू RO ARO है, इसके लिए अलग से कोई क्रैश कोर्स या कोई फुल फ्लेज कोर्स जैसा भी कमीशन तय करेगा उस हिसाब से करा देंगे, उसकी हम आपको डेट और तारीख बता देंगे। एक जो 7A फॉर्म होता है, लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जब नॉमिनेशन शुरू होता है तो आप उनको सूचना भेजते हैं, उसके बाद स्क्रूटनी के बाद वैलिडली नॉमिनेटेड, उसके बाद जब फाइनल हो जाता है तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो ये जो 7 होती है ये लिस्ट होती है जिसके आधार पर बैलेट पेपर बनता है। ये 7A एक सर्टेन लेवल पर होती है, उसके पुष्टि होती है, और ये थोड़ा सा